वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक खास कम्युनिटी शिबा इनू से बेहद लगाव रखती है और उनके लगाव को देखते हुए और उनके सवालों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो आपसे शेयर करने का फैसला किया कि आखिरकार जितने भी बिगनर्स हैं वो शिबा इनू में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई क्यों होता है और उनके सवालात के जवाब कि क्या इसके साल 2022 में 2 जीरो कम हो जाएंगे, 1 जीरो कम हो जाएगा या ये 1 डॉलर का हो जाएगा, जितने भी सवालात हैं उनका मैं आपको इस वीडियो में आज जवाब देने वाला हूं और साथ इसकी हिस्ट्री जो मैं समझता हूं कि आप जैसे हर दोस्त के लिए बहुत ज़रूरी है जान देना, क्योंकि अगर आप हैं क्रिप्टो में बिगनर तो आपको मालूम होना चाहिए कि शिबा इनू का जो है चार्म कैसे मार्केट में पैदा हुआ, कैसे ये कॉइन मार्केट में आया, किस तरह इसने आते ही कई दोस्तों को रातों रात अमीर बना दिया और इसका लाइव जो है एनालिसिस प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं ताकि आप जान सकें कि आज इसके होल्डर्स की तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है और क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त अगर BTC और इथेरियम के बाद कोई ऐसा कॉइन है जिसे अगर आप $10 में बिलियंस कॉइन आप खरीद पाते हैं लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, $10 में आप उसको इतना ज़्यादा खरीद लेते हैं लेकिन होल्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी आपके सवालात हैं और उनकी रीज़न जो आपके जहन में पैदा होते हैं उनका मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे तो बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं जल्दी से शिबा इनू की हिस्ट्री और प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ। तो दोस्तों, यहां से हम आगाज़ करते हैं अपने कंटेंट का और आपको बताएंगे कि शिबा इनू से एक कम्युनिटी क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा दोस्त इस कॉइन से अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं और आपने बात एक जेन में रखनी है कि जब एक दोस्त एक कॉइन से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है तो वो अपने दूसरे दोस्त को जा करके ज़्यादातर ज़रूर बताता है कि यार मैंने इस कॉइन से इतना पैसा कमाया, रातों रात मेरे हालात बदल गए। और जब वो नया बंदा इसमें इन होता है तो इसके चार्म को समझ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिबा इनू का चार्म क्या है और दूसरा आपका सवाल कि क्या साल 2022 में इसके 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कम हो सकते हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों शिबा इनू की एक कम्प्लीट हिस्ट्री, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आगाही मिल जाएगी कि ये कॉइन आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है शिबा इनू प्राइस हिस्ट्री का कि ये अगस्त 2020 में मार्केट में आता है और आप इसके जीरोस आराम से बैठ के गिन सकते हैं कि कितने थे। ये जब मार्केट में अपना तारुफ करवाता है दोस्तों तो ये 9097 के साथ आता है, यानी कि आप इसे $1 में भी इसकी एक बहुत बड़ी तादाद खरीद सकते थे। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब ये 2020 में पाकिस्तान में आता है, यानी कि लोगों को इसका नाम सुनने को मिलता है, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2% कम्युनिटी क्रिप्टो करेंसी को जानती थी, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी भी गूगल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 2020 अगस्त में क्रिप्टो में लोगों को अकाउंट बनाना नहीं आता था, इवन के बाइनांस में पैसे जो डिपॉजिट करवाते वक्त लोग डरते थे कि कहीं दोबारा निकलवाने नसीब होंगे भी कि नहीं। तो दोस्तों, 1 अगस्त को ये 9.0 से आगाज लेता है और 31 अगस्त को ये और डाउनफॉल पे चला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये गिरते गिरते 97 से 30 पे आता है। अब यहाँ पर जिसने $10 के भी ये कॉइन बाई किए हुए हैं उसका एक मरतबा दिल घट जाएगा कि यार मेरे पैसे तो कम होने शुरू हो गए। फिर 30 सितंबर को ये फिर डाउनफॉल का शिकार होता है, 30 से भी अपनी 9.0 के बाद ये अपनी वैल्यू खो देता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये इसने वर्क मार्केट में कैसे किया। फिर आप देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 को इसका 1 जीरो बढ़ जाता है, 30 नवंबर को जो है 0.10 ही रहते हैं लेकिन वैल्यू और गिर जाती है। अचानक से ये 31 दिसंबर 2020 को ये थोड़ा सा बूस्ट करता है, यानी कि 10.0 के साथ 77 पे चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये एनालिसिस आपको एक बहुत बड़ा सबक देने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आखिरकार शिबा इनू की वैल्यू क्यों है। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 31 दिसंबर आती है दोस्तों, तो भी ये एग्जैक्टली वहीं पे आपको देखने को मिलता है लेकिन ये अपनी 3 माह पुरानी पोजीशन पे चला जाता है। 31 जनवरी को वही दोस्त जिन्होंने इसे $50 $100 का बाय कर रखा था
अचानक से उसके दो जीरो कम हो जाते हैं और ये 50 पे आ जाता है, यानी कि 8050 पे, और फिर नेक्स्ट मंथ में ठीक 28 दिनों बाद फिर ये थोड़ा सा बूस्ट करता है और फिर 31 मार्च को इसके सीधे एक और जीरो उड़ जाता है। यानी कि इसका ये छोटा सा सफ़र जो था मीम कॉइन का, आपको रातों रात जो है अमीर बना देता है। अब मेरे पास एक दोस्त की हिस्ट्री है, क्योंकि मेरा काम वीलॉगिंग का नहीं है, वरना मैं चाहूँ तो वीलॉग कर देता। उन्होंने $650 के, यानी कि $650.5 की एंट्री ली उन्होंने किसी टाइम पे, किया तो उन्होंने खैर गलत बहुत ही ज़्यादा। ये मैं आपको पर्सनली मेरी राय है कि $650.5 उन्होंने एक मीम कॉइन में 90 पे इन्वेस्ट कर दिया, और उनका हौसला है कि उन्होंने 10 भी बर्दाश्त किए, और फिर एक टाइम आता है कि उन्होंने 40 आने पर उसे सेल किया, और आप बैठ कर हिसाब लगाएं कि उनको $650.5 के साथ कितना पैसा बचा होगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि आप सोचते हैं बार बार कि अब इसमें पोटेंशियल कितनी है। तो दोस्तों, इसमें इतनी ही पोटेंशियल आज भी मौजूद है कि आप देख सकते हैं कि लास्ट इसमें बूस्ट आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 70 का, वो 31 मार्च का आ रहा है, यानी कि आज से ठीक एक, मतलब एक साल भी पूरा नहीं, 11 माह पहले ये आपको 7056 पे बाय करने को अवेलेबल था। फिर 2021 के ही मिड में इसके फिर 20 कम होते हैं, फिर 10 कम होता है, और ये आज हमें 4023 पे बाय करने को अवेलेबल है। दोस्तों, मैं यहाँ पर शिबा इनू की कोई मार्केटिंग करने नहीं आया, ठीक है, ना मैं पेड प्रमोशंस पे काम करता हूँ। मेरा काम रिव्यू देना है, चाहे वो किसी किस्म की भी एप्लीकेशन हो, मोबाइल ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन हो, चाहे कोई थका हुआ यूट्यूबर उसके ऊपर एप्लीकेशन बना रहा हो, मेरा काम आपको उसकी हकीकत बताना है। यहाँ पर आप बात करते हैं उन तमाम दोस्तों के सवालों के जवाब का कि क्या 2022 में इसके 1 या 2 कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि शिबा इनू के स्टैट्स बोलते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकता कि ये आप देख सकते हैं कि शिबा इनू के जीरोस कैसे कम हो रहे हैं, और अभी हिस्ट्री में मैंने इसका लेटेस्ट चार्ट इन नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी दोस्त मुझे सेपरेटली मेल्स कर रहे हैं, जिनके मेरे पास लाखों के अंबार लग चुके हैं, और मैं उन सारों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर एक कॉन्टेंट बनाकर तमाम दोस्तों को पेश कर दूँ। तो अगर आप इसको इन्वेस्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि जहां पूरी दुनिया इसमें एंट्री ले रही है, इसका पीछे एक जाम था कि ये रॉबिनहुड एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो बढ़ेगा, इसका फलाना काम होगा तो बढ़ेगा, ये किसी के साथ काम करेगा तो बढ़ेगा, वेल्स जिसे बाय कर लेता है तो बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को सेट असाइड करके मैं ये समझता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में हर वक्त के लिए अगर $50 के शिबा इनू पड़े हों तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाकई ही किसी भी वक्त $1 वाली बात को मैं बिल्कुल सेट असाइड करके कह रहा हूँ, ये अपने 1 से 2 कम कर सकता है, 3 भी कम कर सकता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बोल रही है कि 2020, 2021 और अब बारी है 2022 की। पूरा 2022 यहाँ तक आ गया है कि आज मार्च का जो है वो आधा हिस्सा, या तकरीबन फर्स्ट जो टेंथ होती है, अशरा कह सकते हैं, वो गुजरने को है, और इसमें हमें बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि शिबा इनू आपको साल 2022 में 1 या 2 कम करता ज़रूर दिखाई देगा। ऐसे हमारे तमाम दोस्त जो शिबा इनू को लेके चार्मिंग में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो दोस्तों इस चीज़ को नज़र में रखिएगा, दिस इज़ माई स्टैट्स, और यही एक रियलिटी है शिबा इनू की, और यही वो कॉइन था जिसने मार्केट में लोगों को बताया कि बीम कॉइन भी उठ सकते हैं मार्केट में, जैसे कि अब डोज लॉन मार्स हो गया या बेबी डोज, इन दोनों को लेकर के भी मार्केट में इसी तरह की कि कोई क्या आ रही है, तो उनके ऊपर भी हम सेपरेटली जल्दी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे शिबा इनू के कंप्लीट स्टैट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि इसी की बिना पर इसमें हमें आने वाले वक्त में कुछ चाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मानी रखती है। इससे पहले दोस्तों कि मैं वीडियो को ऑफ करूं, आपसे इजाज़त लूं, आपने क्या करना है, टेलीग्राम के हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ अलर्ट हो, तो आपको फौरी तौर पर मिलता रहे। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।